शुक्रिया श्री नाम की जनता, और हमारे वेबसाइट के तमाम लोगों को मेरा प्यार पहुंचे। भाई बहनों, 11 साल के लड़का रोसिनियो जंताना गुजरे हुए शुक्रवार को ये मोटरगाड़ी हादसा से इनका मृत्यु हो गया है। प्यारे लोग, यही सब जानते हैं, रेस डे का पुलिसी इस समस्या को आगे बढ़ाया। ये जहां तक हम सोच रहे हैं, नुर्सवेक के धर्म पर इस लड़का को एक गाड़ी धक्का जाकर के मार दिया। कुछ परिवार खड़े थे धर्म पर, लेकिन ये गाड़ी जाकर के उनको धक्का मार दिया, वो बेचारा गिरा है और रोसिनियो जंताना का मृत्यु हो गया। औतबस्तुदर मार्सियानो के 44 साल, इन्हें सिपाही गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें ने जाकर के बंद किया है जेल में। रोसिनियो के जो कुचल दिया गाड़ी से, ये औतबस्तुदर मार्सियानो के आंखोहोजन एनी फर्सेकन खस्ताओ। प्यारे प्यारे लोग, आने वाले कोर्ट जो होगा 16 अगस्त को, उपभोक्ता मिनिस्ट्री कार्रवाइयां सब तैयार कर रहा है। 16 अगस्त को KFC का मैनेजर मैजरी विलियम्स का जो हत्या हुआ जुलाई 2017 में वेघलमीना शराब के बाद, इस मुकदमा में चवीला एर हो फरदाख्त और शकील बे इनके साथ जो दिया, इन दोनों को जहां तक पता है तो 16 अगस्त को इन दोनों को रेहतर सजा सुनाने को, इनके पास सब कागज पत्र हो जाएगा और सजा सुनाई जाएगी। आप सुनते रहना। मैंने बताए थे कल कि वाल्डी रेसो विक्रोमो का लाश मिला है, 38 साल का। ये बुधवार को इनका लाश मिला है रीवा में, कुंभवेन के बाद है। ये मछली पकड़ने के लिए जो जा रहे थे बोट में बैठ करके, ये बोट में से गिर जाने से रीवा में इनका मृत्यु हो गया है। अब ये लाश मिला है और अब वाल्डी के लाश परिवार के हवाले कर दिया गया है। दुआना अंतनार मार्टिन हा को सिपाही रिहा कर दिया है। अथुकात है चंद्रा अलगू, ये मांग की है कि सबूत नहीं है कि दुआना मार्टिन हा 300 किलो कोकाइन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये कार्रवाइयां इनके जरिए ठीक किया गया, यानी कि ये जो सब तैयार था, यानी बेचलन जाने के लिए ये कंटेनर की बात है, तो इनका हाथ इसमें नहीं है, इसीलिए मार्टिन हा को रेस्ट रिहाई कर दिया है। भाइयों बहनों, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताए थे कि एक आदमी मौज मनाने के लिए होकस्त्रात के पेंशन में गया था। एक क्रियोल का आदमी है, 24 जून को होकस्त्रात के एक पेंशन में गया मौज मस्ती करने के लिए। मौज मस्ती करने के बाद जब ये घर जाने की कोशिश की तो ये भरभरा करके वही टेंशन में गिर पड़ा और इनका वही मौत हो गया है। प्यारे प्यारे लोग, ये मौज तो किया जा करके, और मौज करने के बाद अब इनका नाम तक लोग को भी पता नहीं है कि इसका नाम क्या है। जब से ये इनका मृत्यु हुई है, इस लाश के बारे में सिपाही लोग को तलाश कर रहा है, क्योंकि कोई ऐसा कागज इनके पास नहीं है, ना आईडी कार्ड, ना कोई एनवलप, ना कोई ऐसा चीज जिससे पता चले कि इनका नाम क्या है। कांग्रेस पुलिस फ्रांस सूरीनाम नाबस्तांदन को बुला रहा है कि आइए देखिए, और आज अखबार ने उनका फोटो भी धर दिया अखबार में, जो इंसान ने
एक पेंशन में गया एक औरत धंधा करने वाली औरत के साथ मौज करने के बाद जब इन घर को जाना चाहिए बस वही फड़फड़ा करके गिर पड़ा और इनका मौत हो गया है। इनका नाम पता नहीं है कहां का ये इंसान है, कहां रहत रहा, इनका नाम क्या है। निवहाफन पुलिस कहते हैं टेलीफोन नंबर फिर तक एन या अब डेली फोरेंसिस ऑफ स्पोरिंग टेलीफोन नंबर फिर तक 2020 पर आप बता सकते हैं। यह आदमी एक क्रियोल से आदमी है, कफड़ी है, और 24 तारीख को ये अगर हम मौज करे पेंशन में एक रंडी के साथ यानी एक धंधा करने वाली के साथ मौज करने के बाद जब ये कपड़ा पहनने लगा फिर से बस भड़भड़ा करके गिर पड़ा, इनका मौत हो गया है। अफसोस की बात है, हम लोग अफसोस करते हैं इस बात से कि इंसान की मौत इतनी सस्त में हो जाया करता है, और यह हुआ तो यह दुख की बात है। पुलिस फोटो फ्रेम फन ओवर लीडर, अब यह अखबार में उनका तस्वीर आप देख सकते हैं। प्यारे प्यारे लोग, जब से हल्ला हुआ एक ड्रैग बोट मिला है कलकत्ता सरमक्का में, ड्रैग बोट का मालिक का नाम लिया गया। ड्रैग बोट में कितना लोग गिरफ्तार हुआ, ये कितनी समय हो गया है कि हम लोग ड्रैग बोट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। कलकत्ता सरमक्का में वहां पर सिपाही लोग को जाकर के बवाकिंग यानी कि उसको बवा करना चाहिए, इस पर निगाह डालना चाहिए कि कोई वहां आए जाए और कोई ड्रैग बोट लेकर के भाग न जाए। उसी जगह पर दो कंटेनर है, उसमें सामान है जो बसलाह में लिया गया है, सामने जो ड्रैग बोट एक खराब मशीन भी है वो बसलाह में भी लिया गया है। 3 महीना हो चुका है, पुलिस मान वहां पर आता है जाता है, बड़ी मुसीबत से वहां पहुंचते हैं। 3 महीना हो चुका है, वहां न टॉयलेट है न नहाने के लिए कुछ न। वहां पर पहुंचने के लिए एक रास्ता पर चल करके वहां जाना पड़ता है, और पुलिस लोग को पहले यानी मुमकिन है कहीं कनाल जो है कंडाल कहते हैं उसको पार करना पड़ता है। इस वक्त ये कनाल पर घास भूस जम गया है और ऊपर से सांप वगैरह खेफ्त खसलांगन, सांप वगैरह खेफ्त खसलांगन, लबारिया माका से नहीं की साका से नहीं की साका 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 से नहीं की, जितने सांप है भैया वो वहां मौजूद है। सिपाहियों कितनी सांप को यानी कटल किए भी, वो जंगल है, इलेक्ट्रिसिटी टेंच नहीं है, और सिपाहियों को वहां बवा करना चाहिए। तीन यूरन पर दाख पुलिस मान अनटफ्रेडन ओवर बवा के खबी ड्रैग बोट बप्पा रे, इस हर नाम के लिए इतिहास है। आज तक कोई पता नहीं चलता है कि असलियत मालिक इसका के है, एक अनार के है, समझे ना बाबा। बड़ी गड़बड़ बात है। अभी के बारे में अब सिपाही लोग के तकलीफ है जाकर के वहां पर बवा करना पड़ता है। प्यारे प्यारे लोग, एक 45 साल का विजय कुमार यांकी का मृत्यु हुआ है। यह बेचारा बरैया इन पर टूट पड़ा है भाइयों बहनों, और ये आदमी का मृत्यु हो गई है। हम लोग को इस बात से बड़ी दुख हुआ है, बीफे के बात है। ये अपने खेत में खेत में जो गया यानी गाय गोरु लाने के लिए हका करके आगे लाने के लिए, साइबाना के बात ये है, और वही कहीं ब्रसलियान बै छुपा था और इस आदमी पर टूट पड़ा। ये बेचारा कूद पड़ा पानी में और लोग जो था भाग करके आगे निकल गया, लेकिन विजय कुमार यांकी भाग नहीं पाया और बरसलियान बरैया इन पर हमला किया और इनका मृत्यु हो गई है।
देही भर में जहां जहां देही भाई सब बरसलियान बरैया इसको काटे हुए है और ये बेचारा कंडाल में कूद पड़ा बचाने के लिए, लेकिन शायद ये बच नहीं पाया है। 45 साल का विजय कुमार यांकी की मृत्यु हुई है यानी ब्राजीलियन बरैया काटने से। रेडियो पारामारी बोरा पार इस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। ये बड़ी दुख के संदेशा आज आपके सामने हम रखे हुए हैं। भाइयों बहनों, एक बेस शोफेर का मृत्यु हो गया है। 41 साल का बेस शोफेर रोबर्टो जालिम सिंह की मृत्यु बीफे के हो गया है। ये बड़ी गड़बड़ बात हुआ है। नीवेर खफोंदन व्यक्त एक इलेक्ट्रिस पाल पर जाकर के अपने बेस के द्वारा धक्का लगा दिया और इतनी जोर से धक्का लगा है जहां पंप स्टेशन वगैरह है, मास्क टूट करके गिर पड़ा इनके ऊपर और दो टुकड़ा हो गया है मास्क। और जब ये मास्क टूटा है, मुमकिन है कि बेस शोफेर को हार्ट इंफार्क्ट मिला है, हार्ट अनफॉल, और वही बेस में उनका मृत्यु हो गया है। भाई बहनों, हार्ट अनफॉल के जरिए बेस शोफेर रोबर्टो जालिम सिंह का मृत्यु बीफे के हो गया है। न्यूवेर खफोंदनवेक में रेडियो पारामारिबो पर डिरेक्सी पर्सोनेल इस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग को इस बात से भी तनी दुख हुआ है। भाइयों बहनों, फरिये के कहना हम बार बार आपको ये संदेशा दे रहा हूं ताकि पॉलिटिशियन को दिमाग में ये बात जम जाए कि 4/7 अलोइन अर्ध इंडस्ट्री इन कांस फॉर सूरीनाम। फरिये के कहना है कि 4/7 अलोइन अर्ध इंडस्ट्री इन कांस फॉर सूरीनाम। डायरेक्ट फरिये की बात हम कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट फरिये की बात जनता सुने और ठीक रूप में सुने तो शायद सूरीनाम मुसीबत से बच सकता है। लेकिन जब सुराल को अपना फैब्रिक को उखाड़ करके चला जाएगा तो हम लोग के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए उन लोगों को लिए यही खबर है कि अगर हो सके तो इस पर तनी से काम करना चाहिए लोगों को। नेशनल रिपरासी कमेसी सूरीनाम एक लीजिंग देने को जा रहा है। हम बात करने जा रहा हूं आफन अरमा जुंदर जो फोर्सेटर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। आप तो जानते हैं यूनिक में सेस यूरी के यूनिक में फ्रेड डर्मिस्ट्रात ये 4-6 बजे के बाद होगा तो 6-7 बजे के समय। कहने का मतलब है कि रिपरासी कमेसी की जो यहां पर यानी कि स्लाफरनेई को लाया गया था सूरीनाम में, अफ्रीकांस सूरीनाम से यानी स्लाफरनेई के बारे में बात करते हैं, सूरीनाम में जो लाया गया और उन लोगों के हक के बारे में ये बात करेगा कि कम से कम नीदरलैंड को सूरीनाम के स्लाफरनेई के लिए कुछ कुछ पैसा देना चाहिए। ऐसे कुछ बात है इसी लीजिंग में। तो ये लीजिंग आज होगा यानी यूनिक थियेटर में। एक काका, हम कौन चीज सुनी बप्पा, सब ऐसन चीज सामने रख दे है कि बहुत मुसीबत हो जाते हैं बोलने में। और हम बात करने को जा रहा हूं पुलिसी अमतनार के बारे में, ये किशन के बारे में। ये किशन सिपाही कल इन्हें जज के सामने खड़ा होना पड़ा। ये 15 साल के नेख को जाकर के ये फरकरख की है। सेफ रन टू मार्च, सेफ रन टू अप्रैल, ये जो बीता हुआ है। प्यारे प्यारे लोग, ऐसे पता चला कि ये सिपाही किशन इस बच्ची को उनके घर से लेकर के पेंशन में गया है। फनहेश अपहाउट एंड खब्रख नार एन पेंशन वारना से फ्लीसल खबीस का आजन। प्यारे, ये अच्छा बात ना लगे भाई, ये बतिया ना ठीक लगे। ऊपर से सिपाही है और एक नाबालिग बच्ची को ले जाकर के पेंशन में बलात्कार की है। ये सब बात हम लोग
कैसे जनता को और समझाए भाई? पुलिस मान स्टार्ट रेक्ट फॉर फॉर क्रैक्टिंग फैक्ट्री यार नेक्स्ट भला बताइए काकी, ये सब चीज हमारे देश में होवे है, ये सब चीज जब होवे है तो ये दुख होता है बोलने के लिए, लेकिन अफसोस है कि हम हिंदुस्तानी हो करके हम ये सब बात नहीं समझ पा रहे हैं। दुख है इस बात से, बड़ी दुख की बात है। भाई बहनों, एक न्यूजीलैंड की खबर हम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बुधवार जून के 6 तारीख एक प्रिस्टर फंड श्री राम मंदिर जो न्यूजीलैंड में है, श्री राम मंदिर का एक प्रिस्टर पर हमला किया गया है। फेफन सस्तियार जय जयपाल सिंह लाल बहादुर सिंह उन्हीं पर के प्लाट पर जहां ये मंदिर है, पीछे से दो लोग मास्कर पहन करके हैंडस्कून पहने हाथ में और इस पंडित पर हमला किया है और ये ज्यादा घायल भी हो गया है। इनका टेलीफोन भी छीन करके दो लोग ने भाग गया भी। जब ये न्यूजीलैंड में भी ये सब चीज हो रहा है अन्याय, तो हम ककरे सामने हम जा करके और माथा पीटी भाई? आपको बताइए। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि इस श्री राम मंदिर का बस्तीर न्यूजीलैंड का सिपाही से गुजारिश करेगा कि जो लोग जयपाल लाल बहादुर सिंह इस पर जो हमला की है, सिपाही ढूंढ करके निकाले और उनको गिरफ्तार भी करे। यह अच्छा बात नहीं है भाइयों बहनों। पंडित श्री राम मंदिर नीदरलैंड स्वार में शामिल, दुख की यह बात है, यह बहुत दुख की बात है कि कैसे कैसे लोग और कौन कौन आदमी पर हमला करते हैं। भी अच्छा नहीं लगा ये बात बोल करके, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं भाइयों कि न्यूजीलैंड का पुलिस ये बदमाश लोग को गिरफ्तार करे। भाइयों बहनों, आप तो जानते हैं कि कृष्ण प्रसाद खेदु म्यूजियम है, बेल टावर कृष्ण प्रसाद खेदु म्यूजियम, यहां पर नॉर्थ पोलर नाम कहिए, वहां कृष्ण प्रसाद खेद म्यूजियम है। आज एस रामपत जगरूप स्कूल के बच्चों खुद वहां पर 15 लेयरलिंगन फ्रॉम द 12th क्लास फीस्ट अशेरस एसपीई के वहां उपस्थित थे। ओ एस रामपत जगरूप स्कूल के बारे में हम बात करते हैं। ऑन द लेनिंग फंड मफरो सुखन रिक जो पैदा हुख है, सुखन रिक पैदा हुख, सुखन रिक पैदा हुख, ये वहां पर जो यानी कि वरक्ष चकन पंडित खेदू का वरक्ष चकन है, ये सब बच्चन देखने के लिए गया था। एक म्यूजियम है, हर एक स्कूल के लड़का और लड़कियां अस्पताल के मुताबिक जा करके और ये जो म्यूजियम है वरक्ष चकन फन बेल टावर कृष्ण प्रसाद खेदू म्यूजियम में देख सकते हैं। प्यारे प्यारे लोग, वहां पर भी श्रीमान यान सुभाग एंड श्रीमती सुषमा उन बच्चों को सब चीज समझाया, सब कुछ दिखाया है, रॉन्ग लाइडिंग किया है यान सुभाग और श्रीमती सुषमा। तो प्यारे प्यारे लोग और स्कूल के बच्चे और स्कूल जो वहां आसपास में है, इलाका वानिका में यह म्यूजियम आप लोगों के लिए खड़ा किया गया है, बेल टावर कृष्ण प्रसाद खेदू म्यूजियम जितने वृक्ष चक्कन है पंडित का उसमें मौजूद है। आज ओ एस नाम पर जगरूप स्कूल के बच्चे गए हैं ऑन द लाइडिंग फॉर्म फ्रो सुखन रिक पैदा खोख और चार गो स्टाशियरस और साथ ही साथ ज्ञान सुभाग श्रीमती सुषमा
वो लोग जाकर के बच्चों को सब चीज दिखाया हुआ है, आप लोग भी जा सकते हैं और जितने स्कूल है वो आसपास में आप लोग जाइयो वहां और उस म्यूजियम में अच्छे अच्छे चीज है जो आप देख सकते हैं है? और आप स्क्रिप्सी वगैरह भी बना सकते हैं स्क्रिप्सी वगैरह। और इसलिए सर इसलिए इलाका वानिका के जितने स्कूल है आप लोग दूर दूर मत जाना क्योंकि आप ही के इलाका में एक म्यूजियम है बेलहावर कृष्ण प्रसाद खेद म्यूजियम, हमेशा वहां आप जा सकते हैं। वहां पर अच्छे अच्छे वृक्ष चित्रण है, छोटे मूर्तियां बड़े मूर्तियां गाय और तमाम चीज जो वहां है, है आप देख सकते हैं और आप उससे फायदा उठा भी सकते हैं। तो आप लोग जरूर जाइए और वहां पर आसपास के मुताबिक भी स्कूल के बच्चों के लेकर के आप जा सकते हैं। वहां पर कृष्ण प्रसाद खेद म्यूजियम है, अच्छे अच्छे सामान वृक्ष चित्रण वहां मौजूद है। भाई बहनों जनता वहां मैंने तो कल धन्यवाद दे चुके हैं नीला महावीर के जो अपने दादा और दादी के लिए पकड़ भेजी है नीला महावीर बहुत शुक्रिया नीला तुम्हारा पकड़ जो हम लोग को मिला है तो बहुत बहुत शुक्रिया है दादा और दादी के जरिए आपको नीला महावीर को हम फिर से धन्यवाद दिए हैं आज के प्रोग्राम में। ए भैया तो सुन ले का भय काका अरे दादा अरे दादा वो जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट गिरफ्तार हुआ है और जैसे पता चला कि टेरर ड्रेसिंग किया है उसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो जाने कि एक नाम था मोहम्मद अहमद अल मेहदी के नाम से नेतन बोझ का फॉर ईसिस कि राहुल आ और नासिर ई को रिहाई करना चाहिए और अगर आप नहीं करेंगे तो अंतन द कॉम यूनिवर्सिटी शांतो बोमा लिसेयम एन 50 लोग का हत्या किया जाएगा अगर ये दो लोग को नहीं छोड़ा जाएगा। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट गिरफ्तार हुआ है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सिर्फ एरकन करता है कि एक चिट्ठी वो लिखी सर मोहम्मद अहमद अल मेहदी के नाम पर, ये दूसरा नाम जो है मोहम्मद अली बिन साले वो इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन एक नाम वो मैंने बोले मैंने सोच करके और सोचे थे कि अगर ऐसे हम करेंगे कि वो तनी मशहूर हो जाएगा उनके ऊपर लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन वो नहीं सोच रहे थे कि वो गिरफ्तार होगा और वो जेल में जाएगा। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एरकन करता एक एक चीज खड़ी जिस एस्ट बरेस्ट जहां वो कहता है कि मोहम्मद अहमद अल मेहदी के नाम पर जो ये फेसबुक पर ये धमकी ने भेजा, सिर्फ एक धमकी वो दिया लेकिन दूसरा धमकी के बारे में वो कुछ नहीं जानता है। भला बताइए पहला धमकी तो कर लो है और दूसरा नहीं जानते हैं। लेकिन सिपाही इस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है, इस वक्त जेल में है। अब आगे उन सुख होगा क्योंकि पुलिसी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्रिनो रोशनहॉफ ये मुकदमा आगे ऑन द सुख कर रहा है। मिनिस्टर फान ऑन द बेस लिलियन फेरिये ऑन द वाइस वेटेंसखाप कल्चर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है। मिनिस्टर लिलियन फेरिये फॉर अंडरवाइज वेटेंसखाप एंड कल्चर वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वेलखो फालिस फोर्सेटर फॉर द बॉन्ड फॉर लेरारन एंड द अलियांसी फॉर लेरक्राफ्ट सूरीनाम बोले लिलियन फेरिये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल लगाई हुई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो था अनंसी फरहाल। वेखो फाली
van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, worden Lilian Ferrier van Onderwijs en Wetenschap en Cultuur, de Kaltars-conferentie, Anansi verhaal. Anansi verhaal. अब हम कुछ बोलेंगे भैया, आप जानो, आप लोग के काम जाने, क्योंकि ये जो EOL जो opleiding van leraren EOL अब Anton de Kom Universiteit में जो overhevel वहां कर दिया गया है, इसलिए वेलखुफालीस को इस बात से दुख है. The Institute for the Opleiding van Leraren EOL naar de Anton de Kom Universiteit van Suriname ADEC wakker dia gaya hai. Dus overheveling van het Instituut voor de Opleiding van Leraren IOL naar de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Waha par ye IOL ko kar dia gaya. Is baat se Wilco Fallis ko narazi hai. Wilco Fallis is baat se kaafi gussa mein hai. Samjhe na? Aur bole jo मिनिस्टर फेरिये, लिलियन फेरिये, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंसी को की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसी नहीं, बल्कि अनासी फरहाल थी, समझे ना? भाइयों और बहनों और जनता, हमारे सूरीनाम की जनता, एक गाड़ी रई बैरखवा के कंडाल में घुस गया, क्योंकि शोफेर के कंट्रोल स्टीयर से छूटा और गाड़ी भरभरा करके कंडाल में चला गया. सब लोग जो बैठे हुए थे, ज्यादा घायल हुआ, उनको उठा करके स्पोर्ट एशियन हेल्प को पहुंचाई गई है. देखिए फरीनखीम फा बिनलांस रोड प्रोड्यूसेंटन बोले, जब हम लोग अब मिल करके चीनवा लोग के साथ हम लोग जाकर के काम करना चाहते हैं, शीना जोंग हैंगताई मरवेन के बाद है, तो अब लोग को दखल अंदाज नहीं देना चाहिए. 14 साल तक ये चिनवा लोग रुका था, कुछ कर नहीं पा रहा था. पॉल अबिटिंग अब एक फरीनखीम बना करके और उन लोगों के साथ मिलकर के पालम ओली प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं इसको रोकने के लिए, दखल अंदाज कर देने के लिए बोझ डूनर्स है, तो हम लोग को बड़ी दुख होगा कि हम लोग मरवेन को ऊंचा दर्जा पर नहीं पहुंचा पाएंगे. इसलिए लोग को दखल नहीं देना चाहिए. हाउ प्रोड्यूसेंट इन पटामका वार्स्क्यूएन बोस डूनर्स दी पालम ओरी इंडस्ट्री वेल टॉर्पेडेरन. तो ये बात ऐसे भाई लोग, तो देखो के करे के न करे, हम लोग के ना पता है. ये भैया हमारी जनता, एक नया रास्ता बनाया जा रहा है, नीवो वेखना जांदरे न्यू वेखना सांद्रे, ये हाईवे से सांद्रे की तरफ जा रहा है. पानी के वजह से ये रुक गई है, लेकिन ये बहुत जल्द डालियान फीड प्रोजेक्ट में हाईवे से सांद्रे पर एक नया रास्ता बनाया जा रहा है, एक नया हाईवे कहिए. मिनिस्टर पैट्रिक पेंगल कल भी देखने के गया था. शर्मा का कनाल पर तरहोक्त फा बेखन एक नया ब्रोकी भी बनता है, वो भी तनी काम रुकल है, क्योंकि वहां का रियोनेर सिस्टम लोग कहते ठीक नहीं था, उसको पहले मरम्मत हो रहा है और वो बहुत से समय ले लिया है. तो सलमाका कनाल पर तरहोक्त बीखन एक नया पुल, एक नया ब्रोकी वहां बनाया जाता है. ए भैया तो हम का बताई का की वह खदाक से ही में एक आदमी ने अपना गाड़ी लेकर के एक इलेक्ट्रिक पाल में धक्का मार दिया. अदमिया बोले सूत गेली स्टीरवा के पीछे, आंख बंद हो गए, नींद आ गई, बस जाकर के मारी से बस छितरा गई से गाड़ी एकदम से दोन पाल लटक गई से दाम पर. और हमारा का बताई भैया, श्रीमान रॉय हा
40 साल का, ये सब लोग उनको रॉय रॉय के नाम से जानता है, लेकिन अब जाकर के पता चला कि उनका नाम है हिंस, हिंस एल, हिंस एल, हिंस एल एक 14 साल के अपने औरत का नेक्स्ट के जबरदस्ती बलात्कार की है, अपने औरत का नेक्स्ट एंड 14 jarige nichtje van zijn vrouw seksueel hebben misbruikt. En op judge ke samne Hins L khada hai, bole ek schaam me dood, bole jo chi karmi hai, rove. Hum na batai kaun sa aansu. Huilend vertelde hij in de verleiding te zijn gekomen, wagaira wagaira. Aur rove bhaiya saal mein khada ho karke, magar mach ke aansu ki hum ka kajal li, hamre upar bhoot aayi ya kaun si hai, apne aurat ke nikh ke hum ja kar ke balatkar kar li hai, ye bahut afsos aur aaj hame badi dukh hue hai ye jo hum kar li hai. Het is geen verliefdheid, rechter bole, het is geen verliefdheid, maar seksueel misbruik, merkt de rechter Siglin Weinhard. Isliye tuhe nahi chhora jayega, haramkhor. Ek bhaiya, tuhe hum ka batai kaka. Rechter Siglin Weinhard, jab raadsman Edwin Kanhai ne politieman Kenneth R. ko rihai kar dene ke liye, chhor dene ke liye, rehi advokaat jo Chirauri ki, rechter Chirauri ki politieman Kenneth R. ko chhor dene ke liye, to Siglin Weinhard bole, thenga, thenga, R. die verdacht wordt van valsheid in geschriften en verduistering, willen voorlopig in vrijheid stellen? Nee hoor, nee. Volgens haar gaat het om ongeveer 20 voertuigen die je Janneke verduister ki hai. 20 voertuigen ke baat ho raha hai. Na? To ka kariyo bappa, ye sipahi ke log chhodne ke liye guzarish kiya hai, lekin rehte bole nahi aur ab bhi samay nahi hai unko chhodne ke liye. Ek 44 saal ka taxi chauffeur, एक औरत जो टैक्सी चलाती है, औरत तो ये बेचारी टैक्सी चला रही है, तो इन्हें इनके गाड़ी में बैठा एक क्लांच और बोले मुझे मरवई निस्त्रात जाना है, और ये बच्ची है शोफेर से या शोफेर यानी कि यही टैक्सी चलाती है, तो अब ये औरत मरवई निस्त्रात, मरवई निस्त्रात में इनको जाना चाहिए. Kalant ne kaha nahi nahi, hum Marwen Street nahi, hum Abrasa Street hame jana hai. But jaise wahan pahuncha, but tab ek to kalant nikal ke bechari ke kheench karke bahar nikal karke aur gaadi lekar ke bhag nikla hai, kyunki inke paas ek fishir wapan tha daku ke paas, aurat bechari ko jam pakad diya, unka gaadi bawya 209 lekar ke bhag gaya. Unke paas 105 tak SRD bhi thi aur unke kuch saman gaadi mein, bas ye daku 44 saal ka taxi chauffeur se aurat ko bahar kheench ke gira diya, unka auto lekar ke taxi lekar ke daku bhag gaya hai. Ye bhaiya aaj jone kaun diye kaka, where of kis da kis chumma ke chumma lene ke liye, eta matlab na hai ki aap je ke chaho aap chumma le do, nahi. ये चुम्मा है एक वेरल किस दाख लोग कहते हैं. ऑब्सेस यूली इज द हेल वेरल इन अ लिव द फॉल स्फीयर मेट वेरल किस दाख. सब देखो चुम्मा ले रही हैं, इसको चुम्मा, उसको चुम्मा, उसको चुम्मा, उसको चुम्मा. बाकी ऐसे सोमार किसी लड़की को चुम्मा न लेना, लेकिन वो मारेगा तमाचा, इतनी जोर से मारेगा तमाचा कि तुम्हारा सिर एकदम से ऊपर से नीचे भागने लगेगा. इसलिए वेयर ऑफ किस दाग है, लेकिन सबके लिए नहीं, ये उन लिए उनों के लिए है जिनों को पार्टनर वगैरह है. अजय के पार्टनर वगैरह नहीं है, इतना बात याद रखियो, किसी को गलत से चुम्मा न देना, वरना जो तमाचा लगेगा तो 15 स्टार देखेंगे, 15 स्टार एक साथ तो देखियो. इसलिए आप लोग समझ जाओ हम का कहे हैं. हमारे सूरीनाम की जनता, प्यारे प्यारे लोग, आज के अखबार ने बहुत तरह की बातें लिखे हैं.
और ये बात भी लिखी है कि जितने टीनर है, टीनर स्वांगरस्काप जो है, स्कूल आस मेड ऑफ फूडर, स्कूल में कम से कम बच्चों को बताना चाहिए कि देख जब तक तेरे पास डिप्लोमा न है इकट्ठा खाने बंद करो। जब देखो भी स्कूल जाते हैं अब वहां पर बोले कि हाँ हमें बफारी खाती हैं, अब हम जायरा सीख है, तो जो पढ़े जात हो कि खत्ता खाए जात हो, क्या कर रहे हो स्कूल में जाने के लिए? पुराना जमाना के बात है, कोई ऐसा औरत पेट से स्कूल नहीं गई है। मैया से पूछियो, फौजी से पूछियो, काकी से पूछियो, तो तुम्हें बताएगा। आजकल देखो एक स्कूल में 15 लड़की है तो 14 पेट से है। ये कौन सी करत है भैया, ये का होने लगा बाउसी इस देशवा में, हमारे दिमाग से बाहर है। इसलिए अखबार ने इसके बारे में आज जिक्र की है, टीनर स्वांगरस्काप इन सूरीनाम डबल खस्तराब, डबल खस्तराब। और स्कूल में जितने लोग है तो उसको लोग बोलते हैं टीनर मुदर्स, टीनर मुदर, तो तू टीनर मुदर खेलियो या तो पढ़े जात हो, तो तू कौन सी जानत हो, कौन सी कर जात हो, जात हो करे कि वहां पर जात हो, फिर हमारे दिमाग से बाहर। मौसी मौसी हमारे दिमाग से बात बाहर है। अब गाने लिख दे कई दिलक ऑन वेस अनहेस, तो चलो उनको घरे सबक दिखाओ, तो उनको ऐसन ऐसन ये सब चीज के लिए। इसलिए सरकार आगे आज तक कभी नहीं आगे पहुंचा है, वही जहां सरकार फंसा पड़ा है वही फंसा पड़ा रहेगा। लड़कियों को जब अब स्कूल जाते हैं तो ये सब चीज के लिए उनको ध्यान नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर तू स्कूल, तुम्हें आज खसखीदने सिकंदर के बात है, आदरे सिकंदर के बात है, तो तू जा तो खट्टा खाए, तो खट्टा खाइयो या पढ़ियो, तो कौन सी करियो? बिहान परसों से तब तुम्हें पेट हो गई है ना, तो तुम्हें लोग पकड़ करके उठाए बैठाए, तो पढ़ियो कब पढ़ियो? तू पहले होशियार हो जाइयो। तू जाने एक दिन एक बात हम तुम्हें बताया काकी, ये तमाशा तो जब जॉनी गए सुशीला के लिए करके, जॉनी सुशीला को बेटो फ्रोर, हाँ तो जॉनी सुशीला के लिए गए थिएटर में फिल्म देखे, अक्षय कुमार का फिल्म। तो अब जॉनी बोले है सुशीला से, देख सुशीला इतना बात तो क्या आज हम बता दिला कि हफ्ता भर झगड़ा और हम गुस्सा कर ली, हफ्ता भर हम गुस्सा कर ली है, आज हम कोई गुस्सा उस्सा न करे मांगे हैं, आज हमें गुस्सा उस्सा न हुए पावे, हफ्ता भर गुस्सा रहा। तो सुशीला बोले है जॉनी से कि अच्छा तब हमें का के? बोले एक बात है, एक बोला सुशीला तो के नवा यापन दिली है, तो के नवा जूता दिली है, अब देख हम जा बाहर से तोरे खातिन हम ले ली है, का बोले बोयो, अब हम ले ली तोरे खातिन कौन सी सब कुछ लाइन तोरे खातिन, हमें तो गुस्सा आज न दिलाई है। तो बोले सुन न जॉनी, हम तो गुस्सा तुझको न दे रहा, बाकी मुंह खोल दे रही अब्बे तो तू कुर्सी पर से अब नीचे गिर पड़िए। बोले रे सुशीला, हफ्ता भर हम धक्का खा लिए, हफ्ता भर हम गुस्सा कर लिए, अब तू हमें नखार लगाओ। अब जॉनी बोले सुशीला से, और सुशीला फिर बोले, सुशीला का बेट फ्रो है, बोले जॉनी अब मुंह खोलब तो तू कुर्सी पर से नीचे गिर पड़िए, हम मुंह खोलब तो तुरंत पर पहाड़ टूट पड़ी, पहाड़ टूट पड़ी। जॉनी बोले मत तो क्या बोली कि हम आज गुस्सा न करे, मैं आज तुम्हें गुस्सा लगावे। बोले देख या तोरे मुंह में बात है तो बताओ या तोरे दिमाग में बात है। तब सुशीला बोले देख हमारे मुंह में बात अटकल है, अब हम बोल देवे तो तोर आज दिन खराब हो जाए। बोल हम मांगी, बोले आज हम हफ्ता भर हम दुश्मनी से रह ली, हफ्ता भर हमें मुसीबत, हफ्ता भर हम एकदम से गुस्सा से हम जीवन बसर कर ली है। बोले देख जॉनी, अगर हम कुछ अब बोलब तो एक कुर्सी पर आ तू बैठा, हम तो अक्षय कुमार के फिल्म देखे, बाकी तू अब एक कुर्सी पर से नीचे गिर पाइए तो और बड़ा गुस्सा हो जाए। बोले हमारे लिए सुन, कौन गुस्सा? बोले सुन, अच्छा सुन, बोले हम लोग के पीछे जॉनी तोर घर के मेहरारू बैठल है।
सुशीला बोले जॉनी हम लोग के पीछे तो घर के मेहरारू बैठे आप लोग वही से रहियो, हमारे से भी मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।